इसका सब ला ऑफिस का सब गूगल तो बात ऑफिस में ला ओ माय गॉड सर क्या मम्मी भी किचन में आ गई है क्योंकि हमारा थोड़ा सा काम पेंडिंग था अंकल उठ जल्दी से अच्छा जल्दी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन वेलकम टू अनदर व्लॉग आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे सर्दी काफ़ी ज़्यादा है और आपको पता है हम तो लाहौर में और लाहौर में काफ़ी फोग भी है आजकल और आज के व्लॉग का मकसद मैं आपको बता देती हूँ हमारी मॉर्निंग हुई है अभी टाइम हुआ है 2 बज गए क्योंकि हम काफ़ी लेट सोए थे आप लोगों ने कल का हमारा व्लॉग देखा होगा हमने 2 चैलेंजेस किए थे अगर आपको हमारा चैलेंज पसंद आया हो ना तो आप कमेंट कर देना ताकि हम आइंदा भी आपके लिए चैलेंजेस वाली अच्छी अच्छी वीडियोज़ बना सकें और यहाँ पे ना हमारी जो ईमान है ना वो नाश्ता कर रही है वो अपना दूध पी रही है वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी इसको तैयार श्यार करके और आज घर में गेस्ट आ रहे हैं यानी कि मेरे मायके वाले और इनके ससुराल वाले क्योंकि किरण बाजी अपने घर जा रही हैं उनके पासपोर्ट का कोई इशू था नारायण के लिए जब हम इस्लामाबाद जा रहे थे आपको बताया था वो काम तो हुआ नहीं हम वापस आ गए थे और फिर वो अगले दिन खुद ही चले गए थे और शुक्र अल्लाह का उनका वो काम भी हो गया और अब उन्होंने तकरीबन आफ्टर 2 और 3 डेज़ बाद ना चले जाना है अपने घर मलेशिया तो हमने उनकी दावत की है बस वो भी आ जाएंगे अभी थोड़ी देर में अभी हमने खाना बनाना है उससे पहले हमें नाश्ता करना है और आप लोगों को रखेंगे साथ साथ अब आप लोगों के लिए डेली व्लॉगिंग हो रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें हमें आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है बिकॉज़ एज सून एज़ पॉसिबल हमें ना अच्छे अच्छे चाहिए सब्सक्राइबर्स और आप सपोर्ट करेंगे तो हमें मिलेंगे ना ओके तो फिर करते हैं पहले नाश्ता फिर मिलते हैं आपसे लेट्स गो रात को हमने की थी बल्कि मैंने नहीं की थी इन दोनों ने की थी सफाई और देखिए माशाल्लाह घर नीट क्लीन लग रहा है और ये शेर वाले कंबल में कौन सोया हुआ है अभी दिखाते हैं इसको ज़रा उठाना गांव से वो अंकल गांव से ना अंकल गुलाम आए हैं वो सो रहे हैं इसको मैं उठाने आई हूँ लेकिन मैंने सोचा कि मैं ना इसको नरमी से ही उठाऊँगी और उस नरमी से इसने उठना नहीं है इसलिए मैंने मरियम को कहा कि तुम इसको सख्ती से उठाओ अंकल सलीम बड़े कम्बल शम्बल तय लगा रहे बड़ी घरेलू बनी हुई अपनी तरह से उठाने लगी हो इसको चलें जी गाइस हम माही को उठाने लगे ये भी एक किस्म का चैलेंज होता है क्योंकि लड़की उठती नहीं बार बार कहती है 5 मिनट बाद उठाना 10 मिनट बाद उठाना जीता हुआ उठ जा शॉपिंग करने जा रहा हूँ जल्दी कल के चैलेंज में इसके पास 30,000 आया था अंकल उठ जल्दी से अच्छा जल्दी किरण बाजी का मैसेज आया कि हम आ रहे हैं आधे घंटे बाद रास्ते में जल्दी उठ जाओ अब हम नाश्ता कर लेंगे मेरी प्यारी सी जान भी उठी हुई है जान मेरी प्यारी जान अभी मेरी जान कितनी रफू लग रही है अब मैं अपनी जान को रेडी करूँगी ओके गैस की किल्लत की वजह से ना हमें सिलेंडर ऑन करना पड़ा सिलेंडर जलाना पड़ा इतना डर लगता है मैं तो यूज़ ही नहीं करती हूँ अभी इस पे ही चाय मरियम ने बना लिया है क्योंकि हमने नाश्ता नहीं किया अभी तक और अभी हमने खाना शाना भी बनाना है और तब तक गैस सही हो ही जाएगी हमने सोचा चलो तब तक सिलेंडर ऑन करके अपने ये वाले काम तो किए जाए थोड़ा एक्टिव हो जाए फिर से लग नहीं जैसे पिंड में आई हुई हूँ अच्छा तो गाइस इन्होंने मुझे उठा ही लिया ये नान गर्म हो रहा है यहाँ पे वो ये सौदा इग्नोर करें ये वाला सौदा नहीं ये सौदा ये अब कर रहे हैं नाश्ता हाँ ये नाश्ता कर रहे हैं उधर ईमान भी अपनी मम्मा के साथ बैठी नाश्ता हो रहा है की तैयारियाँ अरूज पर देखें यहाँ पे चिकन शिकन भी धुल गया चिकन तो बड़ी मेहनत लगती है पता नहीं क्या लेकिन मैंने नहीं ये वॉश किया ये मरियम ने वॉश किया है और अब ये देखें मैं इसके पीछे पीछे बड़ी स्पीडे मार रही है यहाँ पे ना हमारे आलू भी बॉयल हो गए हैं और एक तरफ बोनलेस चिकन बॉयल हो रहा है और क्या और कुछ नहीं बस खाना शाना ही बन रहा है और मैंने ईमान को भी तैयार कर दिया अभी आपको दिखाती हूँ गाइस लाइट चली गई है और ये बाप बेटी यहाँ पर लेते हुए हैं हम ज़रा बाहर की सूरत हाल देख कर आते हैं करियो आप प्याज लाल हो रहा है चिकन कौरमा गुड ये सारा सामान है ये है कटलेट्स के लिए आलू और ये सैलड और ये मिर्ची मसाले और ये इधर प्याज लाल और अगर हम किचन में चलते हैं किचन में क्या हो रहा है तो किचन में ये चिकन पड़ा है चिकन ये प्याज ये टमाटर ये सारा कुछ आपको पता ही है क्या है और यहाँ पे ये प्रेशर में पता नहीं क्या हो रहा है क्या बन रहा है प्रेशर में चिकन ओके और ये ईमान का पानी हमने नेस्ले का बॉइल किया है
पहले अब मैं आपको दिखाती हूँ अपने प्यारे से क्यूट से बच्चे की फाइनल लुक। माशाल्लाह। चले तो मेरे हस्बैंड मुझे कह रहे हैं कि मेहमान भी आ गए तो चले उनके पास चलते हैं। लेट्स गो। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेहमान आ चुके हैं, मैं फटाफट मिलनी कर लूँ फिर आपसे मिलती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा प्याला बच्चा आ गया, माशाल्लाह। कम ऑन, क्या हाल है राम? ठीक हो? बाकी की जन भाभी नहीं आई? भाई नहीं आई? ओके। और फारू ठीक है बेटा? है अभी हम जफ्फी डालते हैं, ठीक है? चल आज जफ्फी डाले। गाइस हमने जफ्फी भी डाल ली, मास्क नहीं लगाए इसलिए हमने आपको अपनी जफ्फी नहीं दिखाई। हाँ जी, कैसी लगी माल आपको? इतने महीनों बाद, इतने दिनों बाद मिले हैं। बहुत प्यारी है भाई। चलो चलो जल्दी उठो, उठ जाओ, जब आपको मिलने आए हैं। रोज कोई ना कोई मिलने आता है, इतनी इतनी मशहूर हो गई है माशाल्लाह। गाइस बड़ों ने तो मिल लिया, अब बच्चों की बारी है। दोनों कजन्स जो है ना एक दूसरे को हक करने लगी हैं, तो आपको मैं दिखाती हूँ। माशाल्लाह देखे ईमान नारायण को मिल रही है, उसको पता है थोड़े दिन बाद मेरी कजन जा रही है तो मैं जफ्फियां पपियां कर लूं। माशाल्लाह सोई हुई है वो, इसकी गोद में रखे ना भाजी। इतना पार चल रहा है, इतना पार बाजी इसकी गोद में रखे। माशाल्लाह वो कैसे देख रही है हैरत से। चले जी गाइस, हमारे एक दो गेस्ट रह गए थे, भाई और भाभी वो भी आ गए हैं, तो दरवाजा खोलते हैं। है? किधर गए? अभी तो मुझे आवाज आती। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, क्या हाल चाल है? बड़ी लेट है ये, मुझे लगा उनके साथ ही आएंगे। बहुत ट्रैफिक, ठंड है। चले फिर, कहाँ मिलने वाले हैं? ब्लॉग बनाने में। ठीक है चले अंदर चलते हैं, लेट्स गो। हाँ जी, क्या हाल चाल है? अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है। यहाँ गर्ल यहाँ पे मिलनी चल रही है, मिलनी और देखे अम्मी भी किचन में आ गई है क्योंकि हमारा थोड़ा सा काम पेंडिंग था, तो उन्होंने कहा कि मैं साथ हेल्प करवा देती हूँ। आपको दिखाती हूँ किचन में ना कटलेट्स बन रहे हैं, अभी बस मैं किचन से गई हूँ। कितने कितने खाना हमारा रेडी हो गया, बस रोटियों का काम रह गया और कटलेट्स रह गए। यहाँ पे भाई हम फ्राई करने लगे कटलेट्स और माही बना रही है रोटियाँ। तो गैस जो है ना थोड़ी सी हो गई है कम, और हम पेड़े करके ना बाहर भेज रहे हैं। कहाँ भेज रहे हैं? तंदूर पे, ताकि आज हम तंदूरी रोटी खाएं। सारे ब्रेड क्रम्स आया, अब हमारे कटलेट्स कैसे बनेंगे? खुला छोड़ा था तुमने तो पहले, नहीं दिखाया मैंने, खुला नहीं छोड़ा था मैंने, ऊपर ही रखा खुला हुआ था। गलती अपनी थी, नाम मेरा तो तेरा ही नाम लावांगे। ये देखिए हम ब्रेड लाए हुए थे जो कि यूज नहीं कर रहे थे, अब इसके मैं ब्रेड क्रम्स बनाऊंगी। देखिए इतना सड़ा हुआ इसका फ्राई पैन रखा है, साफ सुथरा बंदा फ्राई पैन रखता है, ब्लॉग में आना है गंदा फ्राई पैन बन गया। अच्छा इसको मैं तोड़ लेती हूं। ये देखे सारे ब्रेड मैंने ना चूर चूर कर लिया, अब इनको तो थोड़े सा रोस्ट करना है, और साथ में बिरयानी भी हो गई है रेडी, और बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। और रोटी मुझे मन है, चावल मैं खा लूँगी। तो हमारी तंदूर की रोटियाँ आ गई हैं, लग गई हैं माशाल्लाह। ये सही तरीका नहीं है, बाहर से लगवा लिया करें हम, लेकिन घर की रोटी घर की होती है, बाजार से लानी हो तो उनके आटे की ना लेंगे। कितने की लगी फिर? पैसे तो बताए हम सब लोगों को, बता दे। वैसे तो 20 रुपए की है, लेकिन जो है लगवाई जो है ना टॉप, हाँ। वो 10 रुपए की है। 10 रुपए की रोटी है? माशाल्लाह मेरे ख्याल 5 रुपए लेने चाहिए, अब आटा तो हमारा था। तो गैस उनकी नहीं थी, मेहनत उनकी नहीं थी, थप 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 करके ठोकी। गैस का बिल तो उन्होंने देना था। चले गाइस अब मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे बन रहे हैं कटलेट्स। ये देखिए ये वही क्रम्स हैं जो अभी हमने बनाए हैं होममेड, और यहाँ पे फ्राई भी हो गया, मैं वो भी दिखा दूँ आपको।
माही कर रही है फ्राई। एक मिनट। अच्छा तो गाइस ये देखिए हमारा खाना तैयार है। ये वो हमने बाजार से रोटियां लगवाई हैं, ये सालन और ये सलाद, बिरयानी और ये कटलेट, रायता, ग्लास, बोतलें और ये वाजवा। साइडों पे हमने मोमबत्तियां लगा दी हैं, ये वाली एक बुझ गई है, खैर है। बाकी अब आपको खाना खाकर मिलते हैं। हम खाने लग गए हैं, खाना शाना आपको दिखा भी दिया, खाना बहुत ही मज़े का लग रहा है। सबको बुला लिया हमने बाहर, तो अब हम खाने खाना। ये देखें भाई सब लोग आ गए हैं, अब हम खाना शाना खा लें, उसके बाद चाय भी चलेगी यहाँ पे और फिर आपसे मैं मिलती हूँ, लेट्स गो। तो हमने खाना शाना खा लिया और इतना गंदा हुलिया लग रहा है, इतना गंदा। हमने सोचा था हम तैयार होंगे, वीडियोस बनाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बस काम में ही लगे रहे। ऐसे गंदे मंदे ब्लॉगर्स आपको मिले हुए हैं, तो बात फिर भी आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। सारा काम शाम हो गया, मैं अभी चाय और फिर हम बैठ के बातें शायद करेंगे कुछ इधर उधर के, क्योंकि भाभी ने चले जाना थोड़े दिन बाद, तो फिर टाइम स्पेंड करना बहुत ज़रूरी होता है बहन भाइयों के साथ, यू नो। और यहाँ पे मेरी प्यारी ईमान जो है वो सो रही है अपने बाबा की गोद में, कब से सोई हुई है, इतनी नींद पूरी कर रहा मेरा बेटा, इतनी नींद आई है माशाल्लाह ना, आपने नकाम नहीं करता मामा की तरह, आपका तो पूरा फेस हुआएगा। खालू के साथ लव चल रहा है, नारायण इधर देखो, इधर देखो मिठू, कास खालू इतने पसंद है आपको, बोलो मेरा बेटा, लो ना लो ना, चलो मेरे पास आ जाओ, आओगी। यहाँ ईमान की खाला उसके नेल्स काट रही है, क्योंकि अभी मुझे डर लगता है कहीं इसको ना नेल कटर लग ही ना जाए, तो इस वजह से ये बहुत बड़ा काम बाजू से करवा रही हूँ मैं। फाइनली अब काफ़ी टाइम हो चुका है और भाभी भाई जो है वो जा रहे हैं, क्योंकि सर्दी काफ़ी है और उनके साथ छोटे छोटे बच्चे हैं, तो उन्होंने कहा हम निकलते हैं। चले जी, थैंक यू सो मच आने के लिए। आपको नेक्स्ट ब्लॉग प्राइम हमें बहुत अच्छा लगा, प्राइम हमें बहुत अच्छा, मेरा प्राइम कौन सा, कैसा लगा, कौन सा प्राइम, अच्छा प्रैंक जो कल बनाया था, देख लें गाइस हमारे घर वाले भी हमारे प्रैंक देखते हैं और कह रहे हैं काफी अच्छा लगा, जो हमने बॉटल फ्लिप वाला बताया था ना उसकी बात कर रहे हैं। चले ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए, अल्लाह हाफिज, खैर से जाए, ओके बाय। तो गाइस अब यहाँ पे ये माल्टे और मौसमी काट रहे हैं, दे दो मुझे, और ये बैठी हुई है कि ये माल्टा मौसमी खाने के लिए बैठा हुआ हूँ, आप खाने के लिए बैठे हैं, ठीक हो गया, ये काट रही हैं, उसके बाद हम खाएंगे, टाइम जा रही है, बाय 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 बाय। गाइस घर वाले जो हैं आप जा रहे हैं, टाइम भी काफी हो गया है, तो इनको करते हैं सीओ। ओके जी, थैंक यू, बहुत मजा आया और जाके आप व्लॉग देख लेना, ओके अल्लाह हाफिज़, ओके अल्लाह हाफिज़, मैं पीछे आई जा रही हूं, मैं कुछ बोल देती हूं, अल्लाह हाफिज़, घूंघट वाला इसका तो अल्लाह हाफिज़ कैसा बोले, घूंघट तो बात हो गई, इसका मुंह किधर है, फिर ठीक है अल्लाह हाफिज़, इसने बहुत काम करवाया, बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा, ठीक है, शुक्रिया क्या करूं, हां कुछ बचा ही नहीं है वरना तुम्हें सात बच्चों के लिए भेज देती, खा लिए किन्नू, ठीक है फिर ओके अल्लाह हाफिज़ जी, खैर से जाएं, परिया बाय 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 बाय, और अभी ये लड़की भी जा रही है, अल्लाह हाफिज़ बाय बाय, लो भाई चावल पकड़ लिए, चावल पकड़ लिया मैं, रोटी पहले पार्टी थी, फिर ठीक है, लो भाई अब चलते हैं अंदर, चलते हैं अंदर, आप खिलाना भी खाते हैं, खलाड़ा खलाड़ा, पर चलो कोई नहीं अभी चुका जाएगा। अच्छा तो गाइस खैर खैरियत से सब चले गए हैं, घर में मेरे ससुराल वाले आए हुए थे, मैंने उनकी दावत की हुई थी, तो हमने सोचा कि चले बाजी जा रही है तो बाजी की जो है ना हम दावत कर दें, उसके बाद फिर खैर से कब मिलना है उनको, जब उन्होंने दो साल ढाई साल तीन साल बाद चक्कर लगाना तभी मिलना, अब उन्हें उनकी दावत कर रही है और खैर खैर से सब घर चले गए हैं, अब मिलेंगे हम आपको इंशाल्लाह अच्छे और नए व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।